बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इरशाद हुसैन हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। अपने हर व्लॉग में हम ये कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हम आपसे मदद मांगते हैं, आप हमारी मदद करते हैं, दोस्तों को बताते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब मुआशरा जो है वो एक दूसरे के सहारे पे चलता है और हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे को अपने साथ लेके चलना चाहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मेरी खबर को सुनते हैं। बहुत सारे दोस्त जिस वक्त मुझे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चलें, कुछ ना कुछ मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती है और हालात आप तक पहुँच जाते हैं। नादिन लैया का एक नौजवान MP है, रफाकत गिलानी, वो आजकल बड़ा मुतहरक दिखाई देता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगले तमाम दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक MP और उसके काम को देखेंगे और उनकी जो खिदमात हैं, उनकी जो काविशें हैं, उनको सराहेंगे। सूरत हाल पहले जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुल्क का दिवालिया निकल चुका है और मुल्क के अंदर तामीराती फंड्स इतने नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई भी हुकूमत हो या रुकन कौमी या सूबाई असम्बली हो, वो पिछली हुकूमत के जारी मंसूबों को अगर जारी रख पाता है तो वो भी उसकी कामयाबी है। रफाकत गिलानी साहब लैया की एक सैयद और मोतबर फैमिली से आपका ताल्लुक है, बड़े मिलनसार खूबसूरत नौजवान हैं। आप जैसे ही खूबसूरत हैं उतने ही आप खुश अखलाक भी हैं। मैंने देखा है कि रोजाना की बुनियाद पर आप सैकड़ों लोगों से जाके मिलते हैं, अवाम में मौजूद रहते हैं। आप बेशक महंगाई को कम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल उनके लिए दूध और शहद की नदियां नहीं बहा सकते, लेकिन आप उनके दुखों का मदावा करते हैं, आप उनके साथ जाके बैठते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और आने वाले अच्छे दिनों की नवीद सुनाते हैं कि शायद वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और हमारा मुल्क अच्छी डगर पर चलेगा। इस तमाम तर सिनेरियो में आपकी रोजाना की बुनियाद पर जब लाहौर में होते हैं, क्योंकि आप मुआवने खसूसी वजीर आला पंजाब हैं, वजीर आला से मुलाकातें रहती होंगी, लेकिन अपने हलके के लिए वो खसूसी मुलाकात करते हैं, उनके पास बैठते हैं और हलके के मसाइल को डिस्कस करते हैं। न सिर्फ हलका बल्कि पूरे जिला लैया के मसाइल डिस्कस करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। रफाकत गिलानी ने लैया की यूनिवर्सिटी का जो काम बंद था उसको जारी रखने का टेंडर पास करवा लिया। रफाकत गिलानी ने लैया का दो रैया, जो लैया से चौक आजम रोड है, उस मंसूबे को जारी रखने का फंड पास करवा लिया। रफाकत गिलानी साहब ने लैया शहर में सेवरेज, सड़कों और गलियों की स्कीमें भी पास करवाई। आपने मुख्तलिफ चकूक में मुख्तलिफ इलाकों में जो उनके एरिया में आते हैं वहां पर कारपेटेड रोड, पक्की सड़कें, सोलंग नालियां, गलियां, इनकी तामीर और मुरम्मत के भी फंड्स लिए हैं। उन्होंने लैया के अस्पताल के लिए भी फंड्स लिए, पास करवाए हैं और मंसूबे लिए हैं। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, जो कि पिछली हुकूमत का बेशक मंसूबा था, लेकिन उसको अमली तौर पर अमली जामा पहनाने में रफाकत गिलानी ने भरपूर किरदार अदा किया, उसके फंड्स को पास करवाया और जैसा कि पिछली हुकूमत ने मंसूबा बनाया था मनवान, उसी तरह उसको पास करवा के उसका काम शुरू हो चुका है लैया की जेल के सामने और बड़ी तेज रफ्तारी से उस पर काम हो रहा है। चाइना की CCECC कंपनी जो है उस पर काम कर रही है और वो बड़ी स्पीड के साथ उसकी तामीर को मुकम्मल कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर चौबारा में लगने वाले सोलर प्लांट ज़ेनफा कंपनी के पास भी आप जाते हैं, उनके मसाइल भी पूछते हैं और रोजाना आप मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए वापस DCO DPO से मिलते हैं, लोगों के मसाइल उन तक पहुंचाते हैं। उनकी कोशिश है कि मौजूदा हालात में वो जो कुछ अवाम के लिए कर सकते हैं उनको करना चाहिए। मेरे पास लिस्ट तो नहीं है कि लैया में इस वक्त उनके कौन कौन से मंसूबे चल रहे हैं या कौन कौन से मंसूबे जारी हैं या मजीद होने वाले हैं, लेकिन ये कहना बजा है कि रफाकत गिलानी ने मौजूदा सूरत हाल में भी लैया के लिए बहुत सारे ऐसे मंसूबे लिए हैं
बिलखसूस लैया यूनिवर्सिटी, जिसको साउथ पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, लैया यूनिवर्सिटी उसका नाम होना चाहिए। लैया में सरकारी सतह पर सिर्फ हमारी जो BZU यूनिवर्सिटी है मुल्तान, उसका सिर्फ एक बहादुर साहब कैंपस था, उसके अलावा लैया में कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों ने यहाँ पर आत्मचार रखी है। गरीब लोग वहां पर पढ़ नहीं सकते लेकिन फिर भी पढ़ने पर मजबूर हैं, और यूनिवर्सिटियों के हालात जो इस वक्त आपने देखे हैं, सिंध की एक बच्ची किस तरह जो है वो सड़क पर आई नंगे पांव और उसने जो हाल दुहाई मचाई है, उससे तो पढ़ाने वालों का जो रुतबा है, उनका जो तरीकाकार है, वो भी बड़ा हैरान होता। लैया की यूनिवर्सिटी के लिए आपने फंड पास कराए, लैया की यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने तकमील तक पहुंचाने का वादा किया है। बहरहाल इस मुख्तसर वीडियो लॉग में मैं इतना कहूंगा कि इस वक्त लैया सिटी का MPA रफाकत गिलानी दिन रात कोशिश करके लोगों के लिए वो तमाम काम कर रहा है जो उसके बस में है और जो कुछ वो तख्त लाहौर से ला सकता है। यहाँ पर उस्मान बुज़दार से मिलकर मुलाकात की उन्होंने और बड़ी तवील मुलाकात हुई इस बार उनकी, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्होंने तवील मुलाकात के बाद इमरान खान साहब से बहुत सारे मंसूबे और भी ले लिए कि चलें, और कुछ भी नहीं दे सकते हम, महंगाई को काम नहीं कर सकते, लेकिन डेवलपमेंट के जो फंड्स पड़े हैं जनूबी पंजाब के, वो तो जीत दिया जाए, और वो उनको लेने में कामयाब हुए और लैया के लिए वो बेहतरीन मंसूबे लेके आए हैं। अस्पताल में बेहतरीन सहूलियात के लिए, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के लिए, सड़कों, सेवरेज गलियों नालियों के लिए, मुख्तलिफ चकूक की कारपेट रोड के लिए, पक्की सड़कों के लिए और रसल व मवासलात के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और काम कर भी रहे हैं, और आने वाले वक्त में वो अपनी जगह फिक्स कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में वो एक मर्तबा फिर जो है इलेक्शन को विन कर सकें। हम उनके इन तमाम बेहतरीन कामों को और काविशों को सराहते हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह अपनी मेहनत को जारी वसारी रखेंगे। नाज़रीन, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।